बताता हूं मैं बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। बायोलॉजिकल सिस्टम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इसके सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं नीट में, और सबसे एक क्वेश्चन इसका जेई में भी पूछ लिया गया बदतमीजी से। अब देखो बायोलॉजिक रंग बदलते हैं, पहले बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करी जाए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने हीमोग्लोबिन की। अब देखो बायो वाले बच्चों को थोड़ा ज्यादा ज्ञान होता है, ये नीले वाले की इंक खत्म हो गई। तो हीमोग्लोबिन हमारा जो होता है, ग्लोबिन तो प्रोटीन पार्ट है, हीम हमारा जो होता है सर वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है आयरन का। पहली बार तो बायोलॉजिकल सिस्टम में कॉम्प्लेक्स, हीम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। नेक्स्ट हम हमारे पास होता है दूसरी चीज, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यही हमारे प्लेनेट को चला रहा है, यही मॉलिक्यूल। इसके अंदर क्या होता है सर, मैग्नीशियम होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन B12, इसके अंदर कौन सा होता है, मेटल कोबाल्ट होता है। और इसका एक नाम जो आपको बायोमोलिक्यूल वाली वीडियो में, जो ट्रिक वाली वीडियो बताई थी उसमें इसका नाम भी बताया था, साइनोकोबालामाइन। लिख दें यार, तुम लोग को कुछ याद रहता नहीं है, साइनोकोबालामाइन। तो वो चैनल की प्लेलिस्ट पे वाली वीडियो भी है, उसको देखना। उसमें जो वाइटमिन की सीरीज है ना, उसको रटने का एक टेक्निक या ट्रिक बताई है, ठीक। आखिरी हमारे पास एक एग्जाम्पल है चौथा, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, हम अपनी जेब से, मतलब एग्जामिनर ने अपनी तरफ से पूछ लिया था कि हमारे पास होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेस ए, इसके अंदर होता है भाई जिंक। ये एंजाइम होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, और ये प्रेजेंट होता है हमारे पैंक्रियास से रिलीज होता है, और मॉलिकुलर सीजर होता है प्रोटीन को काट काट के उसमें से अमीनो एसिड्स को अलग करता है। और बाकी अमीनो एसिड्स के यूजेस तो आपको मालूम ही है कितने हैं बॉडी में, ठीक। तो ये हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है जिंक। अब जेडब्ल्यू वालों ने इसमें सवाल क्या पूछा, इतना चूरन सवाल पूछा कि मैं क्या बताऊं, बच्चे ही नहीं पढ़ के जाते तो क्या करें। उन्होंने कहा इनकरेक्ट इज और इसमें क्लोरोफिल की जगह पे उन्होंने कैल्शियम लिख दिया। तो कोई कलाकारी थोड़ी, एक बार पढ़ के जाओगे तो कर ही लोगे ना कि सर ये अलग गलत है। यहां पे क्या होगा, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक। अब ये तो हो गई पुरानी बात, पहले बचपन में पूछा था। अब अगर यही क्वेश्चन एग्जामिनर को मॉडिफाई करके पूछना हो कि लो यही क्वेश्चन में जरा कुराफात करें, थोड़ा घुमा फिरा के पूछे, बच्चे कंफ्यूज करें, तो मालूम है स्टेटमेंट ये रहेगा इनकरेक्ट इज, और मैं क्या करूंगा यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के बच्चों के दिमाग से खेलना चालू कर दूंगा। अब सोचो क्या Fe2+ फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, Mg2+ में होता है क्लोरोफिल में, Zn2+ है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस में, विटामिन B12 में कोबाल्ट2+ है। अब बच्चा कंफ्यूज, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, इस पर्टिकुलर केस में जो इनकरेक्ट है वो विटामिन B12 है। विटामिन B12 में हमारा कोबाल्ट प्रेजेंट होता है सर 3 में, तो अगर 3+ लिखा हुआ है तब तो ठीक है, बाकी सारे 2+ है, ठीक। याद रखिएगा सब 2+ रहेंगे, खाली कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर करेगा, किसमें, विटामिन B12 में। क्लोरोफिल Mg2+, हीमोग्लोबिन Fe2+ और कार्बोक्सीपेप्टाइडेस Zn2+। तो बायोलॉजिकल सिस्टम की देखो बात हो गई, इसके सवाल हो गए, हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इससे पहले तुम्हारा सवाल गलत हो जाए एग्जाम में।